राधे राधे सभी को। तो आज मैं बनाऊंगी घर पर ही अपने लड्डू गोपाल के लिए मच्छरदानी। मच्छरदानी बनाना लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही आसान है। हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो घर में से ही हम सामान कुछ ना कुछ ढूंढ कर निकाल लेंगे। और लड्डू गोपाल के लिए ये आप देख रहे हैं प्यारी सी मच्छरदानी और कुछ ही पैसों में बन करके घर पे तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके का मैंने एक गद्दे का कवर बना लिया है। पहले आपको अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग जितनी बड़ी भी मच्छरदानी बनानी है पहले उसका आपको गद्दा बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके की आप फॉर्म ले लीजिएगा। मैं ये डबल फॉर्म ले रही हूँ क्योंकि सिंगल पतली रहेगी तो गद्दा पतला रहेगा, इसलिए मैंने इसको डबल करके और इसमें इसके साइज का पहले मैंने कटिंग कर लिया था, सिल लिया। आप चाहो तो हाथ से भी सुई से सिल सकते हो, मैंने सिलाई मशीन से सिला है। और एक ये कार्डबोर्ड या गद्दा आप इसमें भर दीजिए जिससे ये दबे ना और एकदम से सीधा रहे ये। तो और उसको मैं सुई से इसको बंद कर दूंगी चारों साइड। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल का ये गद्दा बन के तैयार हो गया है। और ये वायर आप सभी के घरों में मिल जाती है, केबल जो होती है आप वाइट कलर की, कलर कोई सा भी आप ले सकते हैं। और तो देखिए इस तरीके की आप पट्टी बना लीजिएगा। इसको वायर को हमें इसके अंदर करके इसको सिलना है पहले, और उसके बाद सीधा करके फिर तारों को इसी में हम डाल देंगे। और आप देखेंगे बिल्कुल मार्केट के जैसी मच्छरदानी बनके आप तैयार कर पाएंगे मात्र ही कुछ पैसों में, और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आपको ज़्यादा सामान भी इधर उधर से लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बहुत ही कम बजट में ये लड्डू गोपाल की मच्छरदानी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से इनको हम वायर को इस कपड़े से कवर करके पहले सिल लेंगे। हमें उल्टा कलर करके सिलना है, उसके बाद फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। आप पहले नाप लीजिएगा आप अपने लड्डू गोपाल की मच्छरदानी कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं। मैंने जो अपनी मच्छरदानी का मेजरमेंट लिया है वो 10x8 लिया है, जिसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई उसकी 8 है। तो आप अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा उसको। देखिए मैं इस तरीके से इसको फिर सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसमें जो वायर है वो डाल देंगे। तो देखिए मैंने ये सीधे कर लिए हैं और उसके बाद इसमें ये वायर दोनों डाल दिए हैं। तो बहुत ही इजी है घर पे लड्डू गोपाल की मच्छरदानी बनाना। और इतना कपड़ा हम ये एक्स्ट्रा रखेंगे जो हम इसको सिल सकें। और इसी वायर के नाप से हम इसको ये जो जिप है उसको लेना है, क्योंकि इसी के पास में हमें ये जिप लगानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा थी मैंने उसको हटा दिया है। और अब ये जो वायर है हम इनको इससे देखिए तो 3 इंची के दूरी पर मैं इनको सिल दूंगी। यहाँ पर ये मैंने निशान लगा दिए हैं यहाँ पर, और इस तरीके से इनको सुई से टांके लगा लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बचाया था वो इसीलिए बचाया था कि आसानी से हम इसको सिल सकें। और हमें जो बस जो वायर है वो यहीं तक रखना है जहाँ तक हमारी फॉर्म है, उसके नीचे नहीं ले जाना है हमें, वरना फिर इसको गद्दे को नीचे रखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा इसलिए। तो दोनों साइडों को हम इसी तरीके से तारों को ये जो वायर हैं इनको जॉइंट कर लेंगे, जिससे मच्छरदानी ऊपर अच्छे से उसकी सेफ आ जाए। और दूसरे साइड को भी मैं इसी तरीके से टक कर दूंगी। और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। आपको पहली बार बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसके बाद जब दोबारा बनाओगे कभी तो इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप ऐसे चीज़ें बनाते रहते हो तो उन लोगों को और आइडियाज़ मिल जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आसानी से जल्दी बन जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये इसको टाक दिया है, सिल दिया है। अब दूसरे साइड का भी मैं इसी तरीके से इसको सिल दूँगी। इसमें कोई ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं होता है, आप सुई धागे से ही सिल करके पूरी मच्छरदानी को तैयार कर सकते हैं।
अच्छे से हम सिल देंगे जिससे ये निकले ना। मैंने काफी सारे इसमें टाके लगाए हैं जिससे ये इधर उधर ना हिले। दूसरी साइड में भी मैं इसी तरीके से इसको सिल दूंगी। और उसके बाद अब मैं ये नेट ले लूंगी। इसके नाप से पहले देख लेंगे कितनी नेट लगेगी, उसके बाद फिर मैं इसको कट कर लूंगी। तो ये मैंने दो साइड कट कर लिए हैं क्योंकि हमें जिप लगानी है। अब मशीन से मैं इसको सिल दूंगी। ये जो मैंने जिप निकाली है, आपने देखा होगा आपके घरों में अगर ऐसी पड़ी रहती हैं जिप, तो आप संभाल के रख लीजिएगा, किसी न किसी काम में आ ही जाती हैं। जैसे किसी के यहाँ कंबल आते हैं या रजाई आती हैं, तो उनके कवर जो आते हैं वो कुछ सालों में ख़राब हो जाते हैं, फट जाती हैं, क्योंकि वो पॉलीथीन होती हैं, वो चटक जाती हैं फिर। तो उसमें से मैंने ये चैन निकाल के रखी है और अब मेरे इस ये मच्छरदानी में काम आ गई। तो देखिए इस तरीके से हम पहले देख लेंगे जो एक्स्ट्रा है नेट, उसको हम साइडों से इस तरीके से सिल देंगे टाके लगा करके। और बाजार की से ज्यादा आप घर पे मजबूत बना सकते हैं मच्छरदानी, और आप कहीं भी इसको कैरी करके भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही हल्की है, ये वजन इनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने नेट को भी दोनों साइडों से सिल दूंगी। दोनों साइडों से सिलने के बाद में जो बाकी की दो साइडें बचेंगी उनको भी मैं इसी तरीके से सिल दूंगी, क्योंकि उधर एक्स्ट्रा नेट होगी तो उसको भी हमें कवर करना है। इधर हमें सीधा सीधा हमें नेट लेकर के सिलना है। अगर आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसे भी इधर से इसी तरीके से सिल देंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइडों को सिल दिया है जिससे ये मजबूत हो जाए। आप चाहो तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हो, इसको बना सकते हो, पर मुझे उससे ज़्यादा आसान इसमें सुई धागे से सिलने में लगता है। तो देखिए मैंने दोनों साइडों से ये सिल दिया है। और अब ये दो साइडें जो बची हैं इनको भी मैं सिल दूंगी। तो इस तरीके से हम हल्की हल्की छोटी छोटी चुन्नटें डाल करके इसको सिल देंगे। एकदम से एक जगह इकट्ठा नहीं करनी है हमें नेट। इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी चुन्नटें डाल करके इसको सिल दिया है। बहुत ही आसान है। इसको सिलने के बाद आप देखेंगे कि हमारी मच्छरदानी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो इस पर लेस वगैरह या फिर इसको डेकोरेट कर सकते हो, पर मच्छरदानी में अगर आप लेस वगैरह लगा दोगे तो फिर हवा जाने में प्रॉब्लम होगी, हवा ठीक से लड्डू गोपाल को नहीं लग पाएगी। तो इसलिए मैंने सादा सिंपल ही लड्डू गोपाल की मच्छरदानी बनाई है। मैंने कोई भी लेस या फिर कोई भी फ्लावर वगैरह नहीं लगाए हैं, आप चाहो तो लगा सकते हो। तो देखिए हमारी मच्छरदानी तैयार हो गई है। जो एक्स्ट्रा नेट है उसको हम सीजर से कट कर देंगे। दूसरी साइड का जो रह गया है उसको भी मैं सिल लेती हूँ इसी तरीके से। दूसरी साइड पे भी मैंने इसी तरीके से सिल लिया है।
जो एक्स्ट्रा नेट होगी उसको मैं कट कर दूंगी। और देखिए हमारी मच्छरदानी लड्डू गोपाल की बनके रेडी है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और कोई भी पैसा नहीं लगा है। हमारे लड्डू गोपाल की मच्छरदानी बनके तैयार हो गई है। आज रात हमारे लड्डू गोपाल इसी मच्छरदानी में सोएंगे। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए ऐसी ही मच्छरदानी बना सकते हैं। ये लड्डू गोपाल, ये 1 से 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही आराम से इसमें आ जाएंगे आपके लड्डू गोपाल। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारे लड्डू गोपाल की मच्छरदानी कैसी लगी। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।